अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हम करने लगे अगला टॉपिक विच इज नियोनेटल सेप्सिस। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, कुछ टॉपिक्स होते हैं मैं जितने भी करा रही हूँ ये पूरी नियोनेटोलॉजी में से वही है जो ज्यादातर आया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा दफा आते हैं, तो ये उनमें से है जो कि बहुत ज्यादा आते हैं नियोनेटल सेप्सिस। और इसमें से कोई मुश्किल बात ऐसी है भी नहीं, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं, बहुत ही आसान से टॉपिक है। तो इसको हम देख लेते हैं जरा जल्दी से। कहानी कुछ हुआ, नाम से पता चल रहा है कि नियोनेट यानी कि एक महीने से छोटा बच्चा जो है उसमें सेप्सिस हो गया। सेप्सिस का मतलब है कि बैक्टीरिमिया हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि पूरी बॉडी में फैल गया है। ठीक है, तो जाहिर है पूरी बॉडी में जब फैल जाता है तो फिर उसके कोई एक खास सिम्टम नहीं रहता, किसी एक जगह का लोकलाइज नहीं रहता, वो किसी भी तरह के वाइड स्प्रेड सिम्टम के साथ प्रेजेंट कर सकता है या किसी एक सिस्टम के सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट कर सकता है, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी में इस वक्त बैक्टीरिमिया हो चुका है। तो अगर हम इसको डिफाइन करें तो इट इज अ क्लिनिकल सिंड्रोम ऑफ सिस्टेमिक इलनेस That results from metabolic and circulatory collapse from infection in a newborn. ठीक है, तो कहानी शुरू हुई है कि it is infection in the newborn. नाम से पता चल रहा है। ठीक है, infection in newborn क्या कर रहा है ये दो चीजें कर रहा है कि ये metabolic derangements भी कर रहे हैं, जाहिर है पूरी बॉडी में हुए, एंड circulatory collapse भी कर रहे हैं, क्योंकि definitely अगर bacterial infection आपके ब्लड प्रेशर को, हाइपोटेंशन, ये सारी चीजें कर देगा, तो इट विल लीड टू सर्कुलेटरी कोलैप्स ऑफ द बेबी। तो ये हमारा नियोनेटल सेप्सिस है। अब अगर हम बात करते हैं कि इसकी दो बात चीजों में इसको डिवाइड करते हैं, एक अर्ली ऑनसेट सेप्सिस और लेट ऑनसेट सेप्सिस। जो परवेज अकबर कहती है वो कहती है कि, मतलब बुक की बात करी, वो ये कहती है कि अगर पहले पैदाइश के बाद, यानी बर्थ के बाद फर्स्ट 4 डेज से पहले पहले हो जाता है इन्फेक्शन, तो उसको आप अर्ली ऑनसेट कहते हैं, और 4 डेज के बाद से लेकर अप टिल 28 डेज, क्योंकि जरा नियोनेट की हम बात करें, तो वो होगा आपका लेट ऑनसेट सेप्सिस। लेकिन अगर आप देखा जाए कि कुछ और बुक्स ये 7 डेज भी इसका क्राइटेरिया लेती है, ठीक है, कि 7 डेज से पहले पहले जो है वो अर्ली होता है, 7 के बाद से लेकर 28 तक लेट होता है, तो आप 4 को ही फॉलो कर ले तो बेहतर है। मैं वैसे बता रही, ठीक है, कि लिखा हुआ अगर आपके पास आए तो आपने उसको बिल्कुल ही ऐसे नहीं समझना कि गलत लिखा हुआ है। अच्छा, रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? जाहिर है कुछ फैक्टर्स होते हैं जो बच्चे के अपने होते हैं, कुछ मटर्नल है, कुछ एनवायरमेंटल है। कोई भी बच्चा जो चाहे एट टर्म भी पैदा हुआ है, आपको पता है कि जाहिर सी बात है अभी उसकी इम्यूनिटी भी उतनी ज्यादा अच्छी से नहीं बनी होती। माँ से बच्चे के अंदर ड्यूरिंग जो इंट्रा यूट्राइन लाइफ में सिर्फ IgG एंटीबॉडी ट्रांसफर हो सकती है, ना IgA आती है और ना ही IgM आती है और ना ही कोई और एंटीबॉडीज आती है। IgG यहाँ जरूर आ जाती है। अब आपकी बॉडी में, जाहिर है बच्चे की बॉडी में उस वक्त मटर्नल IgG होती है जो उसको प्रोटेक्ट करती है डिफरेंट इन्फेक्शन से, लेकिन फिर भी उसका अपना रिस्पॉन्स अभी इतना अच्छा नहीं आया होता। तो अगर ऐसे में बच्चा पैदा हो और बच्चे के अंदर बैक्टीरिया आ गया, तो बैक्टीरिया को लड़ने के लिए एक तो चलो मटर्नल IgG एंटीबॉडी पहले की प्रेजेंट है, वो कुछ ना कुछ करेगी, लेकिन कुछ ना कुछ बैक्टीरिया के अपने इन्फेक्शन सेल्स को भी करना पड़ता है। तो भी बैक्टीरिया के सेल्स, बैक्टीरिया के ही बच्चे के अपने सेल्स को करना पड़ता है। तो बच्चे के जो व्हाइट सेल्स अभी इतने मैच्योर नहीं होते, तो जब एक इन्फ्लेमेशन कहीं पर शुरू होती है बैक्टीरिया के आने के रिजल्ट में, वो इन्फ्लेमेशन जहां भी होती है, वो पता है कि उस जगह पर से साइटोकाइन्स और बहुत सारे मीडिएटर्स रिलीज होते हैं। उन मीडिएटर्स का फंक्शन ये होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा व्हाइट ब्लड सेल्स को वहां पर रिक्रूट करें, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स वगैरह, ताकि वहां पर एक अच्छा इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स एस्टेब्लिश हो और जो भी चीज बाहर से आई उसको निकाल दिया जाए। अब होता क्या है कि बैक्टीरिया अंदर आता है, बैक्टीरिया अंदर आ जाता है, लेकिन उसके अगेंस्ट व्हाइट सेल्स एक्टिव होते हैं, वो इतने ज्यादा एक्टिव नहीं हो पाते, क्योंकि वो भी इमेच्योर होते हैं थोड़े बहुत, वो नए नए बने हुए होते हैं। उसकी वजह से बैक्टीरिया ना सिर्फ ये कि उन व्हाइट सेल्स को भी खत्म करते थे, बल्कि पूरी बॉडी में भी फैल जाता है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि इम्पेयर्ड सेलुलर रिस्पॉन्स इन द बेबी। और दूसरी बात मैंने आपको बताई है कि मटर्नल एंटीबॉडीज है वो अगर ठीक नहीं है, जो पहली मैंने बात की व्हाइट सेल्स की एबनॉर्मेलिटी की, तो होता है हम कहते हैं इसका सेलुलर रिस्पॉन्स खराब है। आप बोलते हैं ना बॉडी में दो इम्यूनिटीज होती है, एक होती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और एक है ह्यूमरल इम्यूनिटी। ये जो इम्यूनिटी है जो कि आपका इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन हुई है उसके बाद फिर आपके बहुत सारे सेल लाइन्स आई और फिर रिजल्टेंटली टी सेल्स एक्टिव हो गए, ये जो टी सेल्स वाली होती है ये सेल मीडिएटेड है, ये भी इम्पेयर्ड होती है बच्चों में। और ह्यूमरल इम्यूनिटी तो बच्चों में अभी शुरू में होती ही नहीं है, सिर्फ मटर्नल IgG होती है थोड़ी बहुत जो प्रोटेक्शन देगी, दे बाकी कुछ भी बच्चों में नहीं होता, कॉम्प्लीमेंट फैक्टर्स नहीं होते, एंटीबॉडीज अपनी नहीं होती, तो डिफिशियंट ह्यूमरल इम्यूनिटी भी होती है, और ये दोनों चीजें बच्चे को भी डिस्पोज करती है कि उसमें सेप्सिस हो सकता है। दूसरे मटर्नल फैक्टर्स है, आपने जहन में रखना, ये आपको जहन में रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आपके सिनेरियो में आएंगे, तो सिनेरियो का आपको पता ही नहीं होगा तो आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि न्यूनेटल सेप्सिस में सारे रिस्क फैक्टर्स ही आते हैं। माँ को बुखार हो जाए, माँ को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई भी इन्फेक्शन हो जाए, उसकी लेबर का टाइम जरूरत से ज्यादा लंबा हो जाए, मतलब दर्द जिसको कहते हैं लगना, वो दर्द 18 घंटे से ज्यादा लगी रहे, या रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स जल्दी हो जाए, जो कि एट द टाइम जिसको कहते हैं वाटर ब्रेक हो जाना,
या उसकी जो लेयर्स हैं जिसमें प्रेगनेंसी कंटेन है, कोरियोन एंड एमनियोन, उनमें इन्फेक्शन हो जाए, कोरियो एमनियोनाइटिस कहते हैं, ये सारी चीजें प्रीडिस्पोज करती है बच्चे को सेप्सिस की तरफ। ठीक है, तो ये मैंने आपको उर्दू में आसान लफ्ज में बता दिया, अगर आप इसी तरह याद रखेंगे तो इसको इंग्लिश कहते हैं। ठीक है, इन्फेक्शन, माँ को इन्फेक्शन हो गया, माँ को बुखार हो गया, माँ को दर्दें ज्यादा देर लगी रही, उसके बाद क्या था कि माँ का, हमने कहा कि जो लेयर्स है कोरियो एमनियोन उनमें इन्फेक्शन हो गया, कोरियो एमनियोनाइटिस हो गया, या फिर उसका मेम्ब्रेन रप्चर हो गया। ठीक है, जिसको हम पानी टूटना कहते हैं। तो ये सारी चीजें हैं रिस्क फैक्टर्स। फिर एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स में सारी आप अनहाइजेनिक कंडीशंस कर लें, घर पे डिलीवरी हुई है, नो कॉर्ड केयर, अनहाइजेनिक कंडीशंस है, नर्सरी अच्छी नहीं थी, वहां पर वो स्टेरिलाइजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स ठीक से नहीं थी, घर में बर्थ हो गई तो फिर या तो बच्चों का एस्फिक्सिया हो गया, पेरिनेटल एस्फिक्सिया, या फिर बच्चे को कोई और प्रॉब्लम होगी ड्यू टू एनी प्रॉब्लम ड्यूरिंग द डिलीवरी। तो ये सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स आ जाते हैं, इनको याद रखने से जरूरी क्या कोई सिनेरियो आता है कि बच्चा आपके पास आया है 8 दिन का बच्चा जो कि बहुत मॉर्निंग है, ग्रंटिंग कर रहा है, और फीडिंग इंटॉलरेंस है, फॉन्टेनेले भी बल्जिंग है, और कैपिलरी रिफिल भी इंक्रीज है उसका, और उसकी टॉक्सिक लुक है, तो आप बताएंगे क्या भी सारी नॉन स्पेसिफिक सी बातें। तो नॉन स्पेसिफिक सी बातों में जो सेप्सिस है ना, उसमें वो साथ कहते थे कि मदर हैज अ हिस्ट्री ऑफ इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ऑल्सो प्रोलॉन्ग रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स। तो जब ये वो बात बताते हैं तो उसका मतलब है कि वो सेप्सिस की तरफ पॉइंट करें। ठीक है, तो ये हो जाते हैं रिस्क फैक्टर्स। इसकी कॉजेज क्या है, एक बात आपने जहन में रखनी है, बड़ों में और बच्चों में, न्यूनेट्स में भी और चिल्ड्रन में भी कॉजेज ऑफ बैक्टीरिया का डिफरेंस होता है। एक बात अपने जहन में बिठा लें कि तकरीबन ज्यादातर इन्फेक्शन में जो न्यूनेट्स में हो रहे होते हैं उसमें ई कोलाई इज द फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आप निमोनिया पढ़ेंगे, आप आगे इसके जो सीएनएस के इन्फेक्शन है, मेनिनजाइटिस वगैरह पढ़ेंगे, सब में आप देखेंगे जब आप बच्चों की बात करते हैं ना, जो कि जाहिर है एक महीने से ऊपर के बच्चे हैं और जो कि समझ लें 1-2 साल के बच्चे हैं, हमेशा आपकी जो चीजें हैं वो एडल्ट से ज्यादा मिलती है। मतलब उसमें मोस्ट कॉमन आप कहेंगे कि स्ट्रेप्टोकोकस है या हिमोफिलस है, लेकिन न्यूनेट्स में हमेशा सबसे इम्पोर्टेंट ई कोलाई होता है, ये जहन में रखना आपने। ठीक है, न्यूनेट्स में तो ई कोलाई इज द मोस्ट कॉमन, इसको सबसे पहले लिखेंगे। फिर ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस है, क्लेबशेला है, सुडोमोनास प्रोटियस एंड स्टेफलोकोकस, वो भी है, लेकिन आपने ये पहला सबसे जरूरी याद रखना है। अब बच्चे के फीचर्स क्या होंगे, साइन ऑफ सिम्टम्स ना बहुत नॉन स्पेसिफिक भी होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि सिंपली वो कहेंगे कि बच्चा बिल्कुल खा पी नहीं रहा और फॉन्टेनेले भी बल्जिंग है और बिल्कुल बस ऐसे ग्रंटिंग एंड मॉर्निंग, यानी कि रो रहे रह रहे कर रहे है, और कोई खास, और फीडिंग आपको भी टॉक्सिक सी लुक रख लिया, लेथार्जिक लग रहे हैं, और बस ये सिम्टम्स है, इसके साथ सिनेरियो आ जाते हैं। तो इतने नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स भी होते हैं। तो अगर हम जनरली बात करें तो यही सारी बातें आ जाती है कि ही इज रिफ्यूज टू फीड, उसका देखने में लुक जो है वो टॉक्सिक होती है, ऑफ कलर उसको हम कहते हैं, उसके बाद उसको हल्का फुल्का बुखार, तेज बुखार भी हो सकता है, डिपेंड करता है, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज होंगी, क्योंकि कोल्ड एक्सट्रीमिटीज किस चीज को, अगर उस पर बच्चे को बुखार है, फीवर है और उसके हाथ पांव ठंडे, इसका मतलब है कि उसको बहुत शदीद हाइपोटेंशन है, ब्लड प्रेशर का लो होना इस बात की इंडिकेशन होती है कि उसके हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं, हाइपोटेंशन, टेकीकार्डिया भी हो सकता है, ब्रेडी भी हो सकता है, इरिटेबल होगा। ठीक है, और अगर बच्चे का बुखार बहुत तेज है तो उसको फिब्राइल फिट्स पड़ सकते हैं, हो सकता है बच्चा आपको प्रेजेंट ही झटकों के साथ करे, माँ के पहले इसको बुखार था, तेज बुखार हुआ, अब इसको झटके पड़ रहे हैं। ठीक है, वॉमिटिंग, डायरिया, जॉन्डिस, मतलब ये सारे सिस्टेमिक फीचर्स है, किसी के साथ भी प्रेजेंट कर सकते हैं। आपकी बुक में इवन एक टेबल बना हुआ जिसमें उन्होंने लिखा हुआ हर सिस्टम के फीचर्स की, अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व है ज्यादा इसमें सेप्सिस में, तो बच्चा प्रेजेंट करेगा कि उसका सांस नहीं आ रहा सही से, बहुत तेज फास्ट हार्ट रेट हुआ, वो सॉरी ब्रीदिंग रेट हुआ हुआ होगा उसका, आपको नजर आ रही होंगी सब कॉस्टल रिट्रैक्शन और नेजल फ्लेयरिंग होगी। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरफ जाती है। इस तरह के कोई भी एक सिस्टम के फीचर्स हो सकते हैं, वो जरा आपने देख लेने, लेकिन जनरली जो सिनेरियो आते हैं वो इन जनरल फीचर्स के साथ आते हैं, ऑफ कर रहे, फीवर, हाइपोटेंशन, फिब्राइल फिट्स आ गए, या फिर माँ के साथ हिस्ट्री वो दे देते हैं कि मटर्नल पहले हिस्ट्री है इन्फेक्शन की या मटर्नल फीवर की, तो आपको उस तरफ चला जाता है बात। ठीक है, और आसान लफ्जों में अगर डायग्नोसिस बनाने के लिए बताऊं तो जहां पर भी बहुत ही ज्यादा नॉन स्पेसिफिक फीचर्स हुए ना, वो न्यूनेटल सेप्सिस ही होता है। न्यूनेट होगा, बच्चा होगा 10 दिन का, 8 दिन का, 2 दिन का, 5 दिन का, और बहुत ही नॉन स्पेसिफिक से फीचर्स होते हैं। इन्वेस्टिगेट में आप सबसे पहले ब्लड सीपी कराते हो, यही आपको तकरीबन बता देती है हमेशा कि आइदर प्रॉब्लम है या नहीं। ब्लड सीपी में आप देखते हैं व्हाइट सेल काउंट, व्हाइट सेल काउंट बहुत ज्यादा एलिवेटेड होता है इन लोगों में जो बच्चे न्यूनेटल सेप्सिस के होते हैं, या फिर बहुत ज्यादा कम होता है। दोनों ही चीजें जो है वो आपकी जाहिर सी बात है कि प्रॉब्लम की तरफ जा रही होती है। बच्चों में हमेशा याद रखना कि जो न्यूनेट्स होते हैं उसमें 20,000 तक व्हाइट सेल काउंट को नॉर्मल लेते हैं। आपको पता है एडल्ट रेंज है 4,000 से 11,000 सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, लेकिन बच्चों में ना
14,000 को आपने सॉरी 11 को अपर रेंज दी है, बड़ों में तो 4 to 11 है ना, बच्चों में आपने लेना है 20,000 को अपर लिमिट। 20 से ऊपर अगर उसके होंगे ना तो आपको उसको सेप्सिस कहना है, अगर 21 है, 25 है, 30,000 है तो फिर आपने कहना है सेप्सिस है, और 4 से अगर कम है तो भी आपने देख लेना है, क्योंकि वो आपका बेसिकली शो ये कर रहा होता है अगर बहुत कम वाइट सेल्स है कि बहुत ही बच्चे की इम्यूनिटी कम है, बहुत ही वर्स्ट प्रोग्नोसिस होगा इस कंडीशन में, क्योंकि उसके वाइट सेल्स है ही नहीं। ESR, CRP एंड प्रोकैल्सिटोनिन, ये तीनों आपके इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स में आते हैं, आप इसलिए कराते हैं क्योंकि अगर ये रेज है तो इसका मतलब है कि वाकई कोई इन्फ्लेमेशन चल रही है। जस्ट एक्सरे से उस बच्चे का कराते हैं जिसका आपको सस्पेशन हो गया कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम सिम्टम्स ज्यादा है। अच्छा, देन आपकी आ जाती है स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन। स्पेसिफिक में फिर आपने कराना है ब्लड कल्चर, यूरिन कल्चर एंड CSF कल्चर, तीनों अलग अलग कल्चर, इसलिए क्योंकि आप देखेंगे कि इन्फेक्शन कहाँ तक है। ब्लड कल्चर आपको जनरल बैक्टीरिया के बारे में बताएगा कि कौन सा है। CSF कल्चर पे अगर आपको इन्फेक्शन की फीचर्स मिले, इसका मतलब है कि बच्चे को मेनिनजाइटिस भी हो चुका है, ठीक है, जाहिर है मेनिनजाइटिस के साथ भी बच्चा प्रेजेंट कर सकता है सेप्सिस का। अगर यूरिन कल्चर में यूरिन में भी आपके पास आ रही है चीजें खराब, तो इसका मतलब है कि किडनीज भी सेप्सिस का पार्ट बन रही है, बन चुकी है। इसको फिर कोई बात है, आप रिपीटेड टेस्ट से स्टेब्लिश करते हैं कितना मसला हो रहा है, मैनेज किस तरह से। अच्छा, देन आपका आखिर है कि ट्रेकियल एस्पिरेट, ये देखने के लिए करते हैं हम, ट्रेकिया से फ्लूइड लेके उसको चेक करते हैं कि आइदर उसमें क्या बैक्टीरिया है या नहीं है, वही थ्रू चेक के नमूनिया तो नहीं हो गया हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया। अब मैनेजमेंट को हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, हर जगह पे ऐसे ही होते हैं कि एक सपोर्टिव और एक स्पेसिफिक मैनेजमेंट है। पहले अगर हम सपोर्टिव की बात करें तो इसमें आपने सब कुछ वो देना है जो बच्चे को जनरली फौरी तौर पर जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आपने उसके वाइटल्स मॉनिटर करने हैं, ब्लड प्रेशर, पल्स, टेम्परेचर एंड रेस्पिरेटरी रेट, उनको नॉर्मल तरीन हद तक रखने की कोशिश करनी है। टेम्परेचर की मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है, और न्यूट्रल थर्मल एनवायरमेंट देनी होती है, आपने ये भी नहीं कि बहुत ज्यादा भी देना होता। बच्चे का इनपुट इनटेक और आउटपुट बहुत ज्यादा सख्ती से मॉनिटर करना है, इसलिए उसकी जो न्यूट्रिशन है वो भी आप मुंह से रोक देते हैं या तो टोटल पारेंटल दे देते हैं, एनजी पास कर देते हैं। इनपुट आउटपुट मैनेज करेंगे, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रखेंगे। उसके बाद अगर बच्चा जो है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में लग रहा है आपको या एपनिया में लग रहा है, आपको लगता है कि चला जाएगा, तो आप उसको ऑक्सीजन देंगे बाकायदा जिससे भी जरूरत है, नेजल प्रोंग से या वेंटिलेटर से। और अगर इफ यू फील कि उसका हीमोग्लोबिन बहुत कम है तो आप उसको ब्लड भी लगाने की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। हीमोग्लोबिन 12 से भी कम हो तो बच्चों में हम ब्लड लगा देते हैं, हालांकि बड़ों में हम 12 से कम पे ब्लड नहीं लगाया करते। अच्छा, उसके बाद अगर उसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस डेवलप हो रहा था तो आपने सोडियम बाइकार्बोनेट दे देनी है, जो मैं आपको हमेशा बताती हूँ। अच्छा, देन अगर उसके बाकी जितनी भी डिस्टर्बेंसेज है कि उसका शुगर कैसी है, उसका कैल्शियम कैसा है, उसका पोटेशियम कैसा है, सोडियम कैसा है, जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स है वो जरूर कराने। और अगर वो एबनॉर्मल आ रहे हैं तो बच्चों को आपने उस बारे में, अगर वो एबनॉर्मल आते हैं तो फिर डेफिनेटली आपने उसका करना है हिसाब किताब कि भाई क्यों एबनॉर्मल आ रहे हैं, उनको उस हिसाब से ट्रीट करना है। अगर बच्चे को फिट्स पड़े तो आपने डायजेपैम दे देना होता है, एंटी कन्वर्जेंट्स देने होते हैं, ठीक है, एंड देन लॉन्ग टर्म के फिनोबार्बिटल टोल देते हैं जब तक कि ठीक नहीं होते। टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन में बच्चे को फिट्स शिफ्ट करना है। ये स्टीरॉइड्स का रोल ऐसा है कि अगर बच्चा शॉक में जा रहा है तो फिर आप स्टीरॉइड देते हैं, प्रेडनिसोलोन या डेक्सामेथासोन या हाइड्रोकॉर्टिसोन। डोपामीन भी तभी देते हैं जब आपको लगता है कि हालत आउट ऑफ कंट्रोल में जा रही होती है। अच्छा, अगर आपकी DICV भी हो रही है तो फिर आप बच्चे को जाहिर है सारी सेल लाइंस देंगे, तो उसमें आपने उसकी रिप्लेस करनी होती है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा दे के उसके प्लेटलेट्स को, और ब्लड अलग से देना होता है होल ब्लड, ताकि उसकी ब्लड की भी क्लियरिंग हो जाए। तो ये आपका होता है इंडिकेशन जब आपने ज्यादा ट्रांसफ्यूजन करनी है। फिर आपके पास क्या है, कुछ बच्चों के लिए आपके अब तो प्रिपेयर्ड होती है पेंटाग्लोबिन। ये असल में आपकी प्रिपेयर्ड वो है एंटीबॉडीज होती है IgM और IgG जो आप दे देते हैं सीवियर इन्फेक्टेड बच्चों को, जो कि खुद से रिस्पॉन्स ही शो करते हैं। एंड GM-CSF इज बेसिकली अनदर फैक्टर जो के ग्रैंडोसाइट मैक्रोफेज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर जिसको हम कहते हैं, और ये भी सवेयर सेप्सिस के बच्चों में जिनमें हमें वैसे ठीक होने का निशान लग रहा तो उसमें हम GM-CSF देते हैं। ये आपके नए व्हाइट सेल्स बनाने में रोल प्ले करते हैं। और आखिर में आपने याद रखना है कि हमेशा, अच्छा, ये स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन जो आपने करनी है ट्रीटमेंट, वो अर्ली ऑनसेट सेप्सिस में ही है और लेट ऑनसेट में ही है। जनरली हम अर्ली ऑनसेट सेप्सिस में बच्चे को हमेशा पेनिसिलिन विद एमिनोग्लाइकोसाइड देते हैं, यानी एम्पिसिलिन एंड जेंटामिसिन। अगर आपका लग रहा आपको कि एनरोबिक बैक्टीरिया सस्पेक्टेड है तो फिर आपकी क्लिंडामाइसिन या मेट्रोनिटाजोल ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपका पिछली एंटीबायोटिक से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो फिर आप एक थर्ड जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन ऐड करके देखते हैं, सेफ्ट्रैक्सोन वगैरह, या फिर कार्बापेनम्स, ठीक है, मीरोपेनम, कार्बापेनम, इनसे रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आता है। लेट ऑनसेट में आप शुरू ही थोड़ी सी हैवी एंटीबायोटिक से करते हैं, वैनकोमाइसिन विद जेंटामिसिन, ठीक है। वैनकोमाइसिन काफी ब्रॉड स्पेक्ट्रम में काफी सारे बैक्टीरिया कवर कर लेते हैं, जेंटामिसिन आपकी वही एमिनोग्लाइकोसाइड है। अगर इससे आराम नहीं आता देन यू गो फॉर सेफ्लोस्पोरिन थर्ड जनरेशन विद कार्बापेनम, जिसने मैंने बताया था फंगल सस्पेक्ट करते हैं तो एम्फोटेरिसिन बी।
तो प्रिवेंट इसको करने की कोशिश करनी चाहिए बाय रिड्यूसिंग रिस्क फैक्टर्स, हैंड वॉशिंग, गुड हाइजीन, और कोई बुखार ना हो, ऐसी चीजें, ताकि ये हो ही ना। तो यहाँ पर बात खत्म करते हैं, किसी कोई मसला। थैंक यू।